नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस सत्र की शुरुआत होने वाली है बहुत ही रोचक विषय के साथ, जिसका पार्ट वन आज हम डील करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम आगे दो तीन पार्ट और भी करेंगे अगर आवश्यकता उसकी महसूस हुई तो। पहले आप ये जान लें कि सब्जेक्ट क्या है। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। जहाँ भी अगर आप हैं तो फिर अब अपनी जो नज़रें हैं बिल्कुल अपने टेलीविज़न सेट पर या अपने मोबाइल फ़ोन पर एनसीईआरटी ऑफिशियल के माध्यम से आप बिल्कुल उस पर गड़ा कर रखें, क्योंकि बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं। क्या है टॉपिक वो भी समझ लीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसका पार्ट वन आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। इस रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करके 8800440559। एज यू कैन सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, यू कैन डायल दिस नंबर एंड आस्क योर डाइलेमा। वी विल ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट विद द हेल्प ऑफ आर एक्सपर्ट। टॉप ऑफ दैट, यू कैन ऑल्सो सेंड योर क्वेश्चंस, योर सजेशंस थ्रू मेल एज वेल ऑन ऑफिशियल मेल आई डी फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, विच इज dts.class10@cit.nic.in। टू वॉच दिस प्रोग्राम लाइव, ऑफकोर्स यू कैन ट्यून इन पीएमई विद्या चैनल नंबर 10, एंड यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम लाइव ऑल्सो ऑन एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आर एक्सपर्ट्स, जिनके माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं एरिया और सर्कल्स के बारे में। प्लीज़ वेलकम मिस सबित अग्राग, जो कि टीचर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सारापुर रोड कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी आपका। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स एंड टू धर्मेंद्र जी एज वेल। थैंक यू। चलिए फिर, सारा समय आपका है, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, समझते हैं इस खास टॉपिक के बारे में। जी बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में तो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। व्हेन यू वर इन योर क्लास फर्स्ट, तो आपके टीचर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखाते थे और आपको पूछते थे कि दिस टाइप ऑफ शेप इज दिस, और उन शेप्स में से एक शेप होती थी सर्कल। तो आज हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया पर जाने से पहले लेट अस डिस्कस अ फ्यू टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेजेस ऑफ सर्कल इन आर रियल लाइफ। रियल लाइफ में सर्कल्स के बिना अगर हम रियल लाइफ को इमेजिन करें तो आप देखोगे कि दैट इज नॉट पॉसिबल। मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल। So we can see here a chapati, the image of a chapati. You can see here some buttons, then CD is there, or you can say DVD, and this is a symbol. So these all are some of the examples of circle from our real life. तो अभी different different जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग colors के कुछ buttons show किए गए हैं, but इन सभी के सभी circles की radius क्या है? Same. अब क्या होती है ये रेडियस? तो रेडियस पर जाने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं व्हाट इज अ सर्कल। व्हाट इज अ सर्कल? सी, आई हैव अ वॉच इन माय हैंड। ये वॉच में, क्लॉक में अगर हम देखते हैं तो इफ आई एम ट्राइंग टू मूव इट्स मिनट हैंड। हमारा जो पूरा फोकस है वो रहेगा कहाँ पर? मिनट हैंड पर। तो मिनट हैंड इज मूविंग। तो मिनट हैंड की जब टिप मूव कर रही है, दिस टिप इज मूविंग, तो टिप जो पाथ जनरेट कर रही है, मींस द पाथ जनरेटेड बाय द टिप ऑफ दिस मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी नोन एज द सर्कल। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? अ सर्कल इज द पाथ। यू कैन सी हियर इन द स्लाइड एज वेल, अ सर्कल इज द पाथ traced by any point, as we have seen in the watch that it is the tip of the minute hand, in a plane which are at a fixed distance from a given point. Means we can say that the center is fixed, and from the center we have taken this complete path. So this path will be known as the circle. There is one more way to define a circle. A circle is the collection of the points which are at a fixed distance from a given fixed point. Means if I am taking here many several points and these all points are at a fixed distance from the center from a fixed point, this distance is fixed every time, so this will be, this complete path will be known as a circle. Now see this carefully. What is this fixed point known as? This fixed point is known as the center of the circle. And what this fixed distance?
This is the radius of the circle. Let us try to understand different terms related to a circle. Here we are discussing about the chord of a circle. See, if I have a circle, this is the circle, we can see this, and I am taking two points on the boundary of the circle. One point we are taking here, other point we are taking here. And we are joining both of these points. I mean, dono points ko join kar dete hain with the help of a scale. So what do we get? This particular line segment, jis line segment ki ko hum dekh pa rahe hain, so this is known as the chord of a circle. The same we have defined here, a line segment joining any two points on a circle is called the chord of a circle. तो हमें समझना है जो दो पॉइंट्स जॉइन करने हैं, दिस टू पॉइंट्स विल बी ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. अब ये बाउंड्री क्या है उसके बारे में बात करते हैं. दिस बाउंड्री इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. सी, दिस इज द सर्कल. इफ यू आर टेकिंग द कोड हियर, देन दिस इज अ सिंपल कोड. But if you are taking a chord passing through the center of the circle, as we can also see here in our image, this one is, this S is the center of the circle, and we have taken a chord which is passing through the center of the circle. Let this be named as the chord AB. So what this chord AB known as? This is known as the diameter of the circle. Or diameter ko hum kya bol sakte hain? Dekhi, this AB is the diameter. इसके नीचे में जितने भी कोर्ड्स ड्रॉ करने की कोशिश कर लूं, या इससे ऊपर या इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में, द लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी कोर्ड विल बी लेस देन द डायमीटर. यानी हम कह सकते हैं कि सर्कल के हम चाहे कितने भी डायमीटर्स ड्रॉ करें तो डायमीटर्स की लेंथ तो इक्वल होती है, एंड वी कैन से दैट द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ अ सर्कल. We can also say that all the diameters of a circle are equal in length. Agar same circle hai, same circle ka matlab the radius will be same. Kyunki humne abhi discuss kiya definition ko that this distance is always fixed. To hum dekh sakte hain radius ko hi to aage increase karne par diameter available ho raha hai. Means agar hum baat karte hain point O se distance A tak. O A distance and O B distance. So ye ban jata hai R plus R, that means 2R. So we can say that the diameter of a circle is equal to twice the radius of the circle. So this is the definition and the basic ideas for the diameter of a circle. Ab hum baat karte hain concentric circles. Is tarah ki image bhi aapne dekhi hai real life mein, dartboard. आप बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि मेरा निशाना कितना एग्जैक्ट, कितना सही जाकर लग जाएगा. तो यहां पर हम देख सकते हैं देयर आर वेरियस सर्कल्स. दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल हियर एंड दिस आउटर वन इज द बिगेस्ट वन. सो इफ आई से दैट द रेडियस फॉर द स्मॉलेस्ट सर्कल इज स्मॉल आर, द रेडियस फॉर द सर्कल नेक्स्ट टू दिस इज, लेट मी से आर वन, द रेडियस फॉर द सर्कल नेक्स्ट टू दिस इज आर टू. So similarly, the only thing is that we can observe that this point is fixed each and every time. So concentric circles are the circles whose center is same. तो जहां पर भी ये word लिखा हुआ आता है कि there are two concentric circles, तो हमें समझ जाना है कि उन दोनों ही circles के लिए जो center point है, that center point is same, but their radius can be different. So after this, let us discuss about a semicircle. Before discussing the semicircle, let us discuss the definition of an arc as well. This is a circle, and if we are taking two points, let one point be point P, other point be point Q. Agar hum point P se Q tak ke beech ka jo distance hai on the same circle, usse observe karte hain, then this is known as an arc. Clear? और अब बात करते हैं कि डायमीटर किसी सर्कल को कितनी आर्क्स में डिवाइड करता है. हियर वी कैन सी डायमीटर, इट इज डायमीटर बी ओ सी. बी ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इट इज द डायमीटर.
सो डायमीटर ने क्या किया, हमारे सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आउट ऑफ दीज द फर्स्ट पार्ट इज विच वन, दिस इज वी कैन सी इट इन द पोर्शन पर्पल कलर, इन पर्पल कलर, एंड अदर इज इन रेड कलर. सो हम देख सकते हैं कि डायमीटर के कारण सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ. ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. इन दोनों पार्ट्स को हम आर्क की, अभी हमने डेफिनेशन सीखी तो हम इन्हें आर्क भी बोल सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट आर्क एंड हियर इज द सेकेंड आर्क, बट बोथ ऑफ दीज आर्क्स आर इक्वल, सो दीज विल बी नोन एज द सेमी सर्कल. अगर हम, हमारे पास कोई सर्कल है इस तरह से, हम इस सर्कल को इसके डायमीटर के अलोंग फोल्ड कर देते हैं, तो हमें अभी जो शेप ये दिखाई दे रही है, दिस इज नथिंग एल्स देन अ सेमी सर्कल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ये हमने अभी डिस्कस किया. सर्कमफ्रेंस मीन्स द पाथ अलोंग विच द मिनट हैंड वॉज मूविंग. जो सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री है, this complete, this is known as the circumference of our circle. तो ये कुछ एक definitions करने के बाद, बहुत important ये दो definitions रहने वाली है जो हम अभी discuss करेंगे. The first is segment of a circle and the next is sector of a circle. Segment. अभी हमने सीखा chord क्या होती है, हमने सीखा arc क्या होती है. तो segment is an area. And this is the area or region between one of the chord and one of the arc on our circle. यहाँ पर AB is a chord, and if we mention this sign, then AB is an arc. तो AB chord और AB arc के बीच का जो area, which we have shaded here in pink color, this is known as the segment of the circle. अब आप सोचेंगे कि ये second side भी तो फिर segment ही है. हमने बोला कि एक आर्क के बीच और कोर्ड के बीच का एरिया होता है सेगमेंट. इट मीन्स ये जो कंप्लीट दूसरी साइड पर हमारे पास बच गया, दिस इज आल्सो एन सेगमेंट, आल्सो अ सेगमेंट, बट ये कैसा सेगमेंट है, ये बड़ा है, तो वी विल नेम इट एज मेजर सेगमेंट एंड हियर इट इज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. तो हम भूलेंगे नहीं दैट द एरिया बिटवीन द कोर्ड एंड आर्क इज सेगमेंट, एंड एरिया बिटवीन द आर्क एंड टू रेडियाई इज अ सेक्टर. यानी इस बार जो एरिया है वो थोड़ा सा, अगर आपकी लेंथ सेम रहती है, एरिया पहले से ज्यादा हो जाएगा. सी इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज एन आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क हैज बीन प्रेजेंटेड हियर बाय द पॉइंट बाय द नेम एल, और थीटा डिग्री का एंगल, ये जो भी थीटा डिग्री है, दिस इज नोन एज द सेंट्रल एंगल, जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस इज द सेक्टर विच इज देयर बिटवीन वन टू, दैट मीन्स टू रेडियाई एंड द आर्क ऑफ द सर्कल. ओके, इसके बाद अब चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ. द वेरी फर्स्ट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन हमने सुन ली, जान ली, समझ ली, बट द थिंग इज हाउ विल वी बी एबल टू कैलकुलेट. अगर मुझसे पूछ लिया जाता है एक सर्कुलर, देर इज अ पार्क और उस पार्क में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, सर्कुलर शेप में फूल लगे हैं, मैं जानना चाहती हूँ वो जो फ्लावर्स वहाँ लगे हैं वो उस पर्टिकुलर पोर्शन का, उस फ्लावर बेड का एरिया कितना है, एरिया से पहले सर्कमफ्रेंस क्या है. तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपके पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए. एंड व्हाट दैट फॉर्मूला इज, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर. यानी हमें पता है दैट दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड दिस कंप्लीट इज द सर्कमफ्रेंस. तो एक पर्टिकुलर रिलेशन है, अगर हम सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर देंगे डायमीटर से, तो जो वैल्यू आती है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज पाई. डियर स्टूडेंट्स, पाई के बारे में हमने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में भी, दैट पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 और वी कैन से 1.3.14. सो फ्रॉम हियर अगर हमें कैलकुलेट करना है सर्कमफ्रेंस,
क्या आ जाता है सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर एंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर हमने डिस्कस किया था, डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस. तो इस तरह से व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस? इट बिकम्स 2 पाई आर. अब देखते हैं उसी फ्लावर बेड का अगर एरिया हमें निकालना है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ अ सर्कल, हेयर वी कैन सी दैट अ सर्कल इज गिवन टू अस और इस सर्कल को हमने डिवाइड किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू 16 पार्ट्स बोलने की बजाय ज्यादा रिफाइंड क्या होगा, 16 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया. दिस इज वन ऑफ द सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? एरिया बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई. सो हेयर वी कैन सी दैट दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. लेट मी शो इट टू यू. दिस इज अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल. तो हमने क्या किया, जो सर्कल हमारे सामने दिया है हमने इसके 1 to 8 पार्ट्स को रेड कलर और 9 to 16 पार्ट्स को येलो कलर में शेड कर लिया. उसके बाद कटिंग कर दी सभी पीसेस की. और कटिंग करने के बाद क्या किया, काटा था सर्कल, तो सर्कल का जो एरिया है अब उससे क्या कर रहे हैं हम, वी आर ट्राइंग टू मेक अ रेक्टेंगल. सी, पहला सेक्टर इस तरह से रखा जिसमें आर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं. फॉर द सेकेंड सेक्टर सेंटर हमने ऊपर की तरफ रखा. फिर नेक्स्ट सेक्टर में फिर से क्या किया, आर को ऊपर रखा. नेक्स्ट सेक्टर में टिप पॉइंट सेंटर पॉइंट को ऊपर रखा. और इस तरह से रखते रखते जिस तरह से हम यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं क्या चीज फॉर्म हो गई, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गई. और इस रेक्टेंगल के लिए हमने वेरी लास्ट 16 जो हमारा सेक्टर था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 1 पार्ट 15 सेक्टर के पास लगा दिया और वो जो बिल्कुल बीच से कट करके उसका सेकेंड पार्ट था बिल्कुल बीच से हमने इसे काटा, दूसरा पार्ट लगा दिया नंबर 1 की तरफ. तो कैसी शेप मिल गई, एक रेक्टेंगल. तो हमें समझ आ रहा है कि व्हाट्स एवर विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ना, वही एरिया होगा हमारे सर्कल का, क्योंकि हमने उसी सर्कल को तो कटिंग करके रेक्टेंगल क्रिएट की है. तो सर्कल और रेक्टेंगल में कोई डिफरेंस है ही नहीं, सेम एरिया विल बी देयर. और रेक्टेंगल का एरिया तो हमें बहुत छोटी क्लासेस से पता है कि व्हाट इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ तो हम सभी को साथ ही समझ आ गया कि दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस. एंड लेंथ पूरा जो हमारा सर्कमफ्रेंस था यानी 2 पाई आर, उसमें से हाफ ऑफ द पीसेस की लेंथ ऊपर की तरफ अरेंज हो रही है और बाकी हाफ की नीचे. तो लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ 2 पाई आर. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू आर, विच टेल्स अस इट इज पाई आर स्क्वायर. Because 2 can be cancelled by 2 and we are left with pi r into r which is pi r square. So this is the way to calculate the area. हमें नहीं भूलना इन दोनों formulas को जो भी हमने discuss किए, circumferences 2 pi r and area of a circle is pi r square. Now let us discuss the area of a circular ring. हमने circular ring बोला और हम इसी को ये भी बोल सकते हैं एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स. देखो वापस इमेजिन करते हैं उसी फ्लावर बेड को. ये हमारा फ्लावर बेड है इन आर पार्क और इस फ्लावर बेड में चारों तरफ इसके एक पाथ छोड़ा गया है. ओके, जो पाथ है दैट इज अ सर्कुलर पाथ. बट हम समझ सकते हैं कि जब फ्लावर बेड की रेडियस देखते हैं दैट इज स्मॉल आर और आउटर सर्कल की जब रेडियस देखते हैं इंक्लूडिंग दैट पाथ दैट इज कैपिटल आर. और मुझे एरिया बताना है बस दिस वन विच इज शेडेड हेयर इन ब्लू कलर, पाथ का एरिया बताना है. तो वो क्या होगा, हम आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बीच का वाइड एरिया आपका निकल गया और पाथ का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे. So it is pi r square minus pi r square. Pi can be taken common from here. So the area is pi into r square minus r square.
और अब हमें एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी पता है, बट इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. वी कैन ऑल्सो लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली एज दिस, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर. सो दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अभी तक के लर्न किए गए हमारे सभी फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे. सर्कमफ्रेंस हमें पता है 2 पाई आर. सी हियर इज अ रेसिंग ट्रैक व्हिच इज बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड वी हैव नॉट बीन गिवन द रेडियाई ऑफ दीज सर्कल्स. हमें पहले सर्कल की भी रेडियस नहीं दी और दूसरे सर्कल की भी रेडियस नहीं दी, बल्कि क्या दे दिया, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल्स. तो हमारा टास्क क्या बनता है, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द रेडियस. वी कैन से दैट 2 पाई आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, इज इक्वल टू 286. अंडरस्टूड है कि आउटर सर्कल की ही सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगी, इनर सर्कल की जो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाथ सर्कमफ्रेंस है, वो आउटर सर्कल से कम होगी. सो 2 पाई आर इक्वल्स टू 286 एंड फॉर स्मॉल आर, फॉर द इनर सर्कल इट इज 220. बाय सॉल्विंग बोथ ऑफ दीज वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. कैपिटल आर इज 186 इंटू 1/2 इंटू 7/22. ऑन सॉल्विंग इट, यस इट इज 143. अगेन वी कैन से दैट 22 एंड 143 आर डिविजिबल बाय 11, सो इट विल बी 91/2. 91/2, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 45.5. Similarly, we will calculate the radius of the inner circle. I know that our viewers will be able to calculate it, 22 and this. So what we are getting? We are getting 5 into 7, which is 35. The radius of the inner circle is 35 meter. Likhna hum nahi bhulenge. And the radius of the outer circle is 45.5. हमें रेडियस नहीं पूछी गई, हमें एक और स्टेप आगे बढ़ना है. और क्या है ये स्टेप? फाइंड द एरिया ऑफ द रेसिंग ट्रैक, मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग. सो वी जस्ट हैव लर्न्ड दैट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया, व्हाट इट इज, पाई इंटू आर माइनस आर इंटू आर माइनस आर. डियर व्यूअर्स, you will put the values of capital R, small r and value of pi here and the final answer will be there. Do not forget that whatsoever answer we are able to get, we must write down square meter along with it, because the area will always be presented in the unit square meter or square units, we must say. Why so? Because area can be calculated of a two-dimensional figure. और टू डायमेंशनल फिगर्स का जो है हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से इट एज, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो वी आर यूजिंग आर स्क्वायर हियर. इफ रेडियस इज इन मीटर, सो मीटर का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. आफ्टर दिस लेट अस डिस्कस सेंट्रल एंगल. यस, वट इज सेंट्रल एंगल? हम ये फिगर देखकर तो समझ सकते हैं दिस इज द सेक्टर ऑफ आर सर्कल. और सेक्टर में भी दिस एनक्लोज, दिस रेड एरिया इज द माइनर सेक्टर और जो रिमेनिंग एरिया है दैट इज प्रेजेंटिंग हियर द मेजर सेक्टर. तो अब सेंट्रल एंगल क्या होगा, हमारा सेक्टर, यहाँ पर हम एक सेक्टर ले लेते हैं. वी कैन ऑब्जर्व दिस सेक्टर. हमने 16 पीसेज में अपने सर्कल को कट किया था, जिनमें से 3 सेक्टर्स को ज्वाइन करके मैंने ये थोड़ा सा बड़ा सेक्टर यहाँ पर बनाया है. तो सेंटर ऑफ द सर्कल पर, इस पॉइंट पर जो भी एंगल हमारा बन रहा है, दैट इज नोन एज द सेंट्रल एंगल फॉर द पर्टिकुलर सेक्टर. सो हियर द डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी सीन.
The angle subtended by an arc or a chord of a circle at the center of the circle is called the central angle. So this particular angle, let us name this angle as theta. So theta is the central angle here in this figure. सेंट्रल एंगल हमने क्यों सीखा, क्योंकि ये एंगल ही हमारी हेल्प करेगा कि हम कैसे निकालें किसी भी सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क मींस दिस दिस पर्टिकुलर लेंथ. यू कैन सी दिस हियर, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द गिवन सेक्टर. तो कैसे इस लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखिए, जब एंगल हमारा 360 डिग्री रहता है, मींस कंप्लीट सर्कल, तो पूरे सर्कल के लिए जो लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट दिस फुल आर्क होती है या जो सर्कमफ्रेंस होती है, वो हमने अभी अभी देखा क्या होती है, 2 पाई आर. एंड इफ वी टेक दिस एंगल टू बी 1 डिग्री, यूनिट्री मेथड वी ऑल नो इट, सो दिस बिकम्स दिस. And if you want to know the angle for theta degree, so theta degree के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, length of arc 2 pi r divided by 360 and it will be multiplied by theta. So the same has been mentioned here, theta upon 360 degree into 2 pi r, or we can cancel 2 by this 360 degree. So in short, length of arc can also be mentioned as pi r theta divided by 180 degree. So basically हम 3 topics को और ज्यादा depth में cover करेंगे. One is जो अभी-अभी हमने discuss किया length of an arc. Then we will be able to understand कि कैसे area निकाल सकते हैं किसी sector का. And the next concept is area of a segment. Savita ji, we have only 4 minutes left now. जी, धर्मेंद्र जी धन्यवाद. तो मैं भी यही बताना चाह रही थी अपनी ऑडियंस को कि अभी हम आज की सेशन में डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर, और सेगमेंट का एरिया निकालना हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन. सो इट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. तो हमें सेक्टर दिखाई दे रहा है, एंगल इज थीटा हेयर. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एरिया ऑफ आर माइनर सेक्टर, या जिस सेक्टर के लिए एंगल थीटा इज गिवन. तो अब डिस्कशन चल रही है एरिया की. तो सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द होल सर्कल, पूरे सर्कल का ही तो कुछ पार्ट है. तो पहले पूरे सर्कल का एरिया हम देखते हैं, यानी व्हाट इज द एरिया फॉर 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर. सो व्हाट इज द एरिया फॉर 1 डिग्री, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360. एंड देन व्हाट फॉर थीटा डिग्री, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय थीटा. So finally, the answer is pi r square theta divided by 360 degree. This is the area of a sector. अब ये angle theta जो है, this will be given differently in different questions. But before that, let us discuss the area of a major sector. बहुत simple सी बात है. Full circle is given here. And this is the minor sector. अगर हम minor sector को छोड़ देते हैं तो बाकी जो complete बच गया, that means this complete. This is the major sector. तो simply क्या करें, full circle में से minus कर देते हैं area of minor sector. So that will be the area of the major sector. Area of circle minus area of minor sector. Yes. Now a question related to the same. This will be the last question for our today's session, Dharmendra ji. Sure. Ji, find the area of sector of a circle with radius 4 cm and angle 30 degree. So यहाँ पर हम देख सकते हैं this OAPB. This is presenting a sector जिसके लिए value of theta is given to be 30 degree. And the radius of our circle is given to be 4 cm. हमें area निकालना है sector का. So area of sector is what? It is pi r square theta divided by 360 degree. We will put the value of pi, then we will put the value of our radius. If r square is there,
That means 16 will be there, 4 into 4. So from here we will be able to calculate the value of the area of the sector. अब एक और क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. सविता जी इसको बहुत जल्दी आपको समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है. जी बिल्कुल जी. तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 और 3.14 कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं. चलिए कोई भी आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इस लिंक को भी दोबारा देख सकते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को मिस किया है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ये लिंक वहाँ पर अवेलेबल है, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना इंटरेस्ट मैथ के प्रति बढ़ा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के इस पार्टिसिपेशन के लिए. साथ में बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, आपने व्यस्त रहते हुए भी हमारे ऑडियंस के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद. आगे है नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, यानी कि कहीं भी जरूरत नहीं है, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ.